अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपको मेरे YouTube चैनल जी न्यूज़ जी में। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आपको यहाँ पे बड़ी अपडेट्स दें और बड़ी खुशखबरी सुनाएं, क्योंकि दोस्तों मसलसल इस हफ्ते अभी तक पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमतों में जबरदस्त कमी देखने में आ रही है। तो दोस्तों आपको बताएं कि आज भी पाकिस्तानी रुपया तगड़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि मसलसल आज भी पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर सस्ता हुआ। दोस्तों आपको बताएं कि हुकूमत का असर या कुछ और, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर आज भी सस्ता, आज भी इंटरबैंक में कमी देखने को मिली। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 20 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में नई कीमत 181.82 रुपए की सतह पर वापस आ चुकी है। इसी तरह दोस्तों अगर ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 20 पैसे की कमी देखने को मिली। ओपन करेंसी मार्केट में 20 पैसे कमी के साथ ओपन मार्केट में डॉलर 182.50 रुपए की सतह पर ट्रेड करने लगा। इसी तरह दोस्तों अगर यूरो की बात करें तो इंटरबैंक में यूरो 199.97 रुपए, अगर ओपन मार्केट की बात करें तो 201.96 रुपए। बात करें यूके पाउंड की तो इंटरबैंक में 238.82 रुपए, ओपन मार्केट में 241.21 रुपए। यूई दरम की बात करें ओपन मार्केट में 49.82 रुपए, ओपन मार्केट में 50.31 रुपए। दोस्तों वाज़ह है कि माशी मुश्किलात और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बहस जुमेरात को इंटरबैंक में डॉलर 188.18 रुपए और ओपन मार्केट में डॉलर 190 रुपए की बुलंद तरीन सतह को छू चुका था, जिसके बाद स्टेट बैंक की जानब से सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने के साथ ही शरा सूद में 2.5% इजाफा किया गया। जबकि दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने भी अदम एतमाद की तरीक पर वोटिंग कराने का हुक्म दिया था। इन दोनों फैसले के बाद डॉलर की तलब में कमी आई। जुमे को डॉलर की कदर में रिकवरी होना शुरू हुई, जिसके नतीजे में 4 रोज के दौरान अब तक इंटरबैंक में डॉलर 6.36 रुपए और ओपन मार्केट में डॉलर 7.50 रुपए की वापस अपनी पुरानी कीमतों पर आ चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।